नमः शिवाय। शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष शनिवार तृतीया तिथि दिन में 2:50 तक लगी रहेगी, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में सुबह 8:50 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, सुशील, लोकप्रिय, धनी और शांत विचारधारा के होते हैं। ये तीव्र बुद्धि वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले तथा दूर दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण, सटीक पूर्वानुमान लगाने वाले, व्यवहारिक और खुश मिजाज भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज दिन भर कर्क राशि में चलते रहेंगे। आज चंद्रमा अपने घर में है, मगर राहु और शुक्र की युति भी साथ में है, जो कि चंद्रमा से विपरीत प्रकृति के श्रेणी में मानी जाती है। अतः चंद्रमा जिनके कारक ग्रह होंगे, ऐसे जातक इस युति के दौरान प्रभावित होते रहेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए इच्छा शक्ति और प्रबल आत्मविश्वास कार्य योजनाओं को सफल बनाएंगे। धन लाभ मन मुताबिक बना रहेगा और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी, मगर कुछ मामलों में मानसिक दबाव और घर गृहस्थी के प्रति चिंता का संकेत मिलता है। अपने सामान के प्रति सावधानी अपेक्षित है, चोरी होने या गायब होने का अंदेशा बनता है। हालांकि निजी निवेश, वाहन और प्रॉपर्टी के मामलों में आज के लिए दिन अनुकूल रहेगा। माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा और सहयोग संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और प्रयास पूरे होंगे। वृष राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में लाभ और घर गृहस्थी संबंधी निवेश के विषय में गंभीरता बढ़ेगी। कार्य योजनाओं को सफल तरीके से लागू करेंगे, मगर कुछ मामलों में कार्य योजनाओं की रुकावट का संकेत भी मिलता है। हालांकि आपका ऊर्जा स्तर हर काम को निपटाने के लिए सक्षम होगा और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। चंद्रमा के साथ शुक्र राहु की युति आपकी सक्रियता और तत्परता को बढ़ाने वाला होगा, जिससे रचनात्मक प्रयासों में सफलता मिलेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी भी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, प्रयास करें, सफलता मिलेगी और वैवाहिक प्रस्ताव फलीभूत होंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रचनात्मक सक्रियता में वृद्धि होगी, गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश होगा और पारिवारिक प्रेरणा बनी रहेगी। कार्य योजनाओं में सहयोग मिलता रहेगा, सरकारी कामकाज पूरे होंगे, मगर साझेदारी के कामों में रुकावट की संभावना बनती है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और नई कार्य योजनाओं की शुरुआत संभव है, मगर कुछ मामलों में भ्रम की स्थिति भी संभावित है और लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है, अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और खुशी महसूस होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। अनावश्यक खर्च, अनचाही यात्रा भी संभावित है। विभागीय कर्मचारियों से सहयोग और कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। व्यवहारिक पक्ष सक्रिय रहेगा और नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लागू होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में कमी आएगी। कुछ नई जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, अध्ययन अध्यापन में अभ्यास जारी रखें, सफल रहेंगे और वैवाहिक प्रस्ताव फलीभूत होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और व्यावसायिक योजनाओं में विकास होगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और नई कार्य योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। मित्रों, रिश्तेदारों से भी लाभ संभव है और आज की साझेदारी सफल रहेगी, मगर नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। कुछ मामलों में धन खर्च, मानसिक तनाव, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि और अनावश्यक यात्राओं का संकेत मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विकास और नई कार्य योजनाओं की उपलब्धि का योग बनता है। आर्थिक सहयोग बना रहेगा और मित्रों व संबंधियों से सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। भाग्यवश काम अच्छे होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मगर कुछ मामलों में भ्रमात्मक स्थिति और आय संबंधी संसाधनों में रुकावट का संकेत भी मिलता है।
हालांकि अधिकारियों का सहयोग और उनकी प्रेरणा बनी रहेगी और अपने बुद्धि कौशल से उसका हल निकालने में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि के जातकों के चल रहे कार्य योजनाओं में विकास होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और सरकारी कामों में सहयोग मिलेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव संभावित हैं और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा, मगर कुछ योजनाओं के रुकावट का संकेत भी मिलता है और कुछ योजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी होंगी। पुराने संबंध पुनर्जीवित होंगे और संतान संबंधी सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा राहु और शुक्र की युति आपके भाग्य भाव में बनने से मानसिक दुश्चिंता बनी रहेगी और कुछ मामले लंबित हो सकते हैं, मगर साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होंगे। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। छोटी यात्रा और देव दर्शन के योग बनते हैं। संतान संबंधी मामलों में खर्च का संकेत मिलता है और वैवाहिक मामलों में रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता बनी रहेगी और मानसिक संतुष्टि महसूस होगी। साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और योजनाएं फलीभूत होंगी। सरकारी कामकाज में लाभ मिलेगा और शैक्षणिक कार्यों में सफलता संभावित है। परिश्रम की प्रवृत्ति बरकरार रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। शुक्र चंद्र राहु की युति 8वें घर में नकारात्मक विचारों को जन्म देगी और दक्षता प्रभावित हो सकती है, मगर साझेदारी लाभदायक रहेगी। संतान संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मकर राशि के जातकों को धैर्य और सावधानी रखनी चाहिए। राहु शुक्र व चंद्रमा का योग आपके 7वें भाव में बन रहा है। मानसिक दबाव, कार्य क्षमता में ह्रास और भ्रमात्मक स्थिति का संकेत मिलता है। ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय सावधानीपूर्वक सोच समझ कर लेना चाहिए। हालांकि विभागीय अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी और काम करने में मन लगेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, परिवार में खुशी और साझेदारी लाभदायक रहेगी। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लागू होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज में साझेदारी सफल रहेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। राहु शुक्र और चंद्रमा की युति शारीरिक और मानसिक स्तर को प्रभावित कर सकती है। साथ ही मंगल राहु का संबंध विवादित मामलों को बढ़ाने का संकेत करता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता मिल सकती है। मीन राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सावधानी रखनी चाहिए। आपकी कार्य ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है, मगर राहु शुक्र चंद्रमा के 5वें घर में होने की वजह से पहले की चली आ रही योजनाओं में गति आएगी। साझेदारी में लाभ मिलेगा और कार्य क्षमता बढ़ेगी। धैर्य और संयम से काम लेते हुए रचनात्मक प्रयास जारी रखें। साझेदारी और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग जारी है, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां भी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अभ्यास जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।